now we are talking about the concept of 2D array. टू डायमेंशनल अरे मीन्स वॉट और किस तरीके से हम टू डायमेंशनल अरे को सी प्लस प्लस में यूज करेंगे. यदि आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम बनाने हैं तो सबसे पहले आपको अपना डेटा मैट्रिक्स फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ेगा. पहले सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे एक 3x3 का मैट्रिक्स हम यूजर से रीड करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे. ठीक, अब इस लूप में हम डेटा स्कैनिंग कैसे करेंगे. तो ये मेरा मैट्रिक्स है, 3x3 का स्कैन हो गया. अब मुझे इस मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, तो सिंपली प्रिंट करने के लिए हमने फिर से एक लूप लगाया. देखो, हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के फ्री कोर्स में, जहां बात आज हम करने वाले हैं अरे के सेकंड स्टेप पे, एंड दैट इज अ टू डायमेंशनल अरे. टॉपिक हमारा अरे का ही चल रहा है, लेकिन अभी तक जो अरे हमने देखा वो था 1D अरे, और काफी प्रोग्राम हमने 1D अरे को लेके देखे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन. इसके अलावा हमने मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट्स की बात की. ओके, लॉट ऑफ प्रोग्राम जो अभी हमने 1D अरे को लेके देखे हैं और कॉन्सेप्ट समझा कि 1D अरे क्या होता है और किस तरीके से हम 1D अरे को C++ में यूज करेंगे. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ 2D अरे. टू डायमेंशनल अरे मीन्स वॉट और किस तरीके से हम टू डायमेंशनल अरे को C++ में यूज करेंगे. तो अब देखिए, टू डायमेंशनल अरे को अगर हम डिफाइन करें तो एग्जैक्टली हम कहते हैं टू डायमेंशनल अरे मतलब क्या है, जिसको हम 2D अरे भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 2D अरे. तो 2D अरे मतलब एक ऐसा अरे विच स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. ठीक है, द अरे वो स्टोर विच इन विच वी स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ 2D अरे. या इसको अगर हम C++ की टर्म में डिफाइन करें तो एक ऐसा अरे जिसको हम दो सबस्क्रिप्ट के साथ डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं 2D अरे. राइट, जिसमें पहली सबस्क्रिप्ट इंडिकेट करती है रो को और सेकेंड सबस्क्रिप्ट इंडिकेट करती है कॉलम को. सो अरे हैविंग टू सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड 2D अरे या 2D अरे. तो आप समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ 2D अरे मींस व्हाट, कि जहां भी हमें डेटा रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करना है, इस तरीके की प्रोग्रामिंग C++ में जहां आपको डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करना है, वहां पर हम यूज करेंगे 2D अरे का. क्योंकि 2D अरे जो डेटा स्टोर करता है वो रो और कॉलम के फॉर्म में करता है. राइट, तो अब क्वेश्चन आता है, सर किस तरीके की प्रोग्रामिंग में हम 2D अरे को यूज करेंगे. तो आप देखिए मल्टीपल यूजर्स हैं, लेकिन अभी जो हम 2D अरे का इंप्लीमेंटेशन या यूज देखेंगे वो देखेंगे फॉर मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग. यहां पर अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स रिलेटेड प्रोग्रामिंग. अगर आपने सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है तो यू नो व्हाट इज अ मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इन विच अ डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. तो यदि सपोज अब आपको C++ में इस तरीके के प्रोग्राम बनाने हैं, लाइक आपको एक मैट्रिक्स का लेफ्ट डायगोनल फाइंड आउट करना है, या मैट्रिक्स का में से मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, या आपको स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स प्रिंट करना है, या आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है, लो ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल, ये सब प्रोग्राम है जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है. तो बच्चे जरा ध्यान से सुन, यदि आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम बनाने हैं तो सबसे पहले आपको अपना डेटा मैट्रिक्स फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ेगा. क्योंकि मैट्रिक्स के प्रोग्राम आप तब बना पाओगे जब आपके पास एक मैट्रिक्स होगा. तो अब क्वेश्चन यह है कि डेटा मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे स्टोर करें, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है. तो यहां पर हम यूज करेंगे 2D अरे का, क्योंकि 2D अरे जो है यह डेटा स्टोर करता है रो और कॉलम के फॉर्म में. तो यहां पर आप देखिए एक कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 1D अरे में सर एक सबस्क्रिप्ट था तो डेटा जो स्टोर होता था वो एक सिंगल डेटा स्टोर होता था. राइट, तो यहां दो सबस्क्रिप्ट है तो दो डेटा स्टोर होंगे, बिल्कुल नहीं. डेटा यहां भी एक ही स्टोर होगा, बट दैट डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, वो डेटा जिसकी अपनी एक रो और एक कॉलम की पोजीशन होगी. क्योंकि यहां पर आप समझिए, देखिए अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, अगर तो सिंपल हमने मैट्रिक्स क्या पढ़ा है इसको ध्यान से समझना. राइट, जैसे अगर हम 1D अरे जब डिक्लेयर करते हैं तो 1D अरे मेमोरी किस तरीके से लोकेट करता है. एक 1D अरे अगर मैंने डिक्लेयर किया, सपोज अरे ऑफ 5 साइज का, तो ये जो अरे है इसका मेमोरी एलोकेशन कुछ इस तरीके से होगा, अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 3, इस तरीके से आपका अरे मेमोरी एलोकेट कर रहा है. राइट, लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर होगा, मान लो मैंने स्टोर किया 10, 5, 7, 30, 35, ये डेटा है जो आपने अरे में स्टोर किया है. लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो डेटा स्टोर हुआ है ये 1D फॉर्मेट में स्टोर हुआ है, ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा नहीं है. राइट, अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आप देखो एक मैट्रिक्स कैसा होता है. मान लो मैंने एक डेटा लिया 36, 42, 15, 28,
46, 56, 92, सपोज 64, सपोज 85. अब ये मेरा एक मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखूं, सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3. और जब इस मैट्रिक्स को हम मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन, ये 1-1 पोजीशन है, बोलते हैं ना, ये 1-1 है. तो 1-1 क्यों बोला आपने? रो और कॉलम, कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है, क्योंकि हम 1 से शुरू करते हैं. लेकिन आप ध्यान दो जरा, अगर इसी रो और कॉलम को मैं 1 की बजाय 0 से स्टार्ट करूं, तो जनरली हम 1 से स्टार्ट करते हैं किसी भी नंबर को, लेकिन अगर हम 1 से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट करें तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये हमारी 0 रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारी सेकंड रो है. और हम क्या बोलेंगे, ये हमारा 0 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है. तो इस पोजीशन के एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, ये कौन सी पोजीशन पर है? 0 0 0 1. बात समझ में आ रही है? 0 1 मतलब आप इसको समझो जरा, ठीक है. ये पोजीशन है 0 1, ये पोजीशन है 0 2. तो आप देखिए, ये कौन सी पोजीशन होगी? 1 1. ये होगी हमारी 1 2, ये होगी 1 0, ये होगी 1 1, ठीक है. ये पोजीशन होगी हमारी 1 2. सिमिलरली ये पोजीशन होगी हमारी 2 0, दिस इज 2 1, दिस इज 2 2. ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखे, दिस इज द पोजीशन. तो आप देखिए, इस पोजीशन पे एलिमेंट तो एक ही है ना, लेकिन ये पोजीशन है 1 1, ये पोजीशन है 0 1, ये पोजीशन है 1 0, ये पोजीशन है 2 0, पर एलिमेंट तो इस पे एक ही स्टोर्ड है ना बच्चे, समझ बात को. तो यदि आपको ऐसा एक मैट्रिक्स मेमोरी में बनाना है, क्योंकि आपको C++ में प्रोग्रामिंग मैट्रिक्स से रिलेटेड करनी है, जैसे अगर मैं अभी आपसे बोलता हूं, जितना भी आपने C++ पढ़ा, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि एक नंबर एंटर करो और चेक करो वो इवन है कि ऑड है, तो आप एक सिंगल नंबर मेमोरी में पहले स्टोर करोगे. यदि मैंने आपसे बोला यूजर से 20 एलिमेंट एंटर करो, तो आप क्या करोगे, 20 एलिमेंट को एक अरे में स्टोर कर लोगे और उसमें से किसी एलिमेंट को सर्च करना है. लेकिन बेटा, अगर मैंने आपसे बोला कि यूजर से 3x3 का मैट्रिक्स रीड करो, तो मैट्रिक्स रीड करने के लिए आपको ये पोजीशन चाहिए ना मेमोरी में. जब तक आपके पास ये पोजीशन नहीं होगी, आप मैट्रिक्स में डेटा रीड कैसे करोगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा रीड कैसे करोगे? तो पहले तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे मेमोरी में ये पोजीशंस मिल जाए. और एक बार अगर ये पोजीशंस आपको मिल गई, तो फिर उसमें डेटा स्टोर करना कौन सी बड़ी बात है? इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पोजीशंस हैं, ये हमें मिलेंगी कैसे? तो आप देखो, इसका सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम एक सिंगल डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करते हैं, तो इसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है? 0 1 2 3, ये मेमोरी इस तरीके से लोकेट करता है, राइट. लेकिन अगर मैं यहां पर एक अरे डिक्लेयर करता हूं, सपोज ए नाम का, जिसकी साइज मैंने रखी 3x3, तो ये जो अरे आपने डिक्लेयर किया है ए 3x3 का, इसका मतलब है इसकी पहली सबस्क्रिप्ट रो के लिए है और सेकंड सबस्क्रिप्ट कॉलम के लिए. तो आप देखो, एक 2D अरे मेमोरी किस तरीके से लोकेट करता है, इसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, ध्यान से देखना. इस एक सबस्क्रिप्ट की पहली वैल्यू के लिए ये पूरा सेकंड सबस्क्रिप्ट मेमोरी एलोकेट करेगी. कहने का मतलब है ए 0 के लिए 0, फिर से ए 0 के लिए 1, फिर ए 0 के लिए 2. ये देखो आप, इसके 0 के लिए इसने 3 बार मेमोरी एलोकेट की, फिर सेकंड टाइम ए 1 अगेन 0, ए 1 अगेन 1, ए 1 अगेन 2, एंड देन अगेन ए 2 0. इसको थोड़ा सा हम इधर से ले लें, ए 2 0, ठीक है, ए 2 1 और ए 2 2. तो आप देखो जरा ध्यान से, आपका जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में भी पोजीशन क्या है, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. और आपको इन पोजीशन पे ये एलिमेंट स्टोर करना है. तो पहले ये पोजीशन लाने के लिए हमने क्या किया, नो डाउट ऐसी कोई मैट्रिक्स की पोजीशन नहीं है, ये सीक्वेंस मेमोरी है, पर आपको पोजीशन तो मिल रही है ना. देखो, ए 0 0, ए 0 1, ए 0 2, ए 1 0, ए 1 1, ए 1 2. तो यदि मैं एक अरे डिक्लेयर कर देता हूं 2x3x3 का, तो ये मेरे लिए इंटरनली एक मैट्रिक्स का काम करेगा ना, इंटरनली मेरे लिए मैट्रिक्स है, क्योंकि ये डेटा जो, ये जो मेमोरी एलोकेशन हुआ है, ये रो और कॉलम के फॉर्मेट में हुआ है. तो जो मैट्रिक्स ने मेमोरी ली है, वो किस तरीके से ली है, आपको समझ में आ रहा है? 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, इस तरीके से आपका मैट्रिक्स मेमोरी एलोकेट कर रहा है. वेरी सिंपल. तो जब भी हमें C++ में मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं 3x3 का.
जब ये अरे डिक्लेयर आपने किया तो आपको ऑटोमेटिकली जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो इस तरीके से मिलेगा। लेकिन अब यहां पर आप देखो आपके प्रीवियस लेक्चर्स आपको शायद याद आएंगे यहां पर, राइट। अब इसमें एक चीज नोटिस करो आप, इस जीरो के लिए ये तीन बार मेमोरी एलोकेट कर रहा है 0 1 2, फिर इस वन के लिए ये तीन बार मेमोरी एलोकेट कर रहा है 0 1 2, अगेन इस टू के लिए ये 0 1 2। तो कहने का मतलब ये है इस जीरो के लिए ये तीन बार चल रहा है, फिर वन के लिए, तो ऐसा कुछ पढ़ा है हमने, ऐसा कुछ पढ़ा याद आ रहा है आपको कि एक के लिए ये पूरा एग्जीक्यूशन कर रहा है, फिर याद आया कुछ नेस्टेड लूप, याद है हमने नेस्टेड लूप का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जहां पर हमने ये पढ़ा था आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप अपना एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट करता है, राइट। तो हमने पढ़ा है नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट, और यदि आप मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं और यदि आपने नेस्टेड लूप वाला टॉपिक गलती से छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसी गलती गलती से ही होती है, वैसे तो आप समझदार हो, आप सीक्वेंस में पढ़ के आ रहे हो, लेकिन अगर गलती से छूट गया है तो गलती सुधार लो और सबसे पहले जाके आप उस टॉपिक को कवर करो जहां पे मैंने आपको पढ़ाया है नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट बेटा, क्योंकि बिना नेस्टेड लूप के आप मैट्रिक्स के प्रोग्राम नहीं समझ पाओगे, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर गलती से वो टॉपिक छूट गया है तो पहले आप नेस्टेड लूप को कवर करो, उसके बाद मैट्रिक्स के प्रोग्रामिंग में आओ, क्योंकि यह पूरा कॉन्सेप्ट मैंने जिस दिन अरे शुरू किया था उसी दिन आपको बोला था कि पूरा अरे जो है वो लूप पे डिपेंडेंट है। तो अभी तक जो हमारा अरे चल रहा था वो 1D अरे था, इसलिए हमें सिंगल लूप की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब जो अरे है उसमें हमें दिखे रहा है कि एक रो है एक कॉलम है, तो नेस्टेड लूप लगेगा ना एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। तो ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ 2D अरे कि व्हाई वी शुड गो फॉर अ 2D अरे, कि 2D अरे को हम क्यों यूज करेंगे और किस तरीके की प्रोग्रामिंग 2D अरे मांगती है, ठीक है। वेयर वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2D अरे इन C++। तो अब यहां पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, देखिए कोई हाईफाई प्रोग्रामिंग अभी नहीं, पहले सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे एक 3x3 का मैट्रिक्स हम यूजर से रीड करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। सिंपल सा प्रोग्राम, रीड द मैट्रिक्स ऑफ 3x3 एंड प्रिंट द मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए यहां पे, तो अगर मुझे एक 3x3 का मैट्रिक्स स्कैन करना है तो सारी फॉर्मुलिटी हेडर फाइल हमने डिक्लेयर कर दी है, #include stdio.h, ठीक है, ये सब आपको पता है कि ये सब अब हमें करना ही रहता है, void main, क्योंकि आप मेजर फोकस करो अभी यहां लॉजिक पे। तो क्या किया मैंने, यहां पर एक अरे डिक्लेयर किया इंटीजर a ऑफ a 3x3 का, a 3x3 का हमने एक अरे डिक्लेयर किया। अब देखो आप, मुझे यहां पर जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, है ना, जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा वो आपके लिए मेमोरी में ऐसा एक मैट्रिक्स बना देगा, राइट। ये ऐसा एक मैट्रिक्स a 0 0, a 0 1 0 2 1 0, क्योंकि हमने मैट्रिक्स लिया है 3x3 का, a 2 0 1 2, देन इट इज 2 0 2 1 एंड 2 2। ये मेरा एक मैट्रिक्स मेमोरी में मुझे रेडी मिल गया, राइट। अब मैं इस अरे को मैट्रिक्स मान लेता हूं क्योंकि है ही वो मैट्रिक्स, एक्चुअली आपने 2D अरे अगर डिक्लेयर किया है तो वो आपके लिए मेमोरी इस तरीके से लोकेट करेगा मैट्रिक्स फॉर्मेट में। अब आपको ये सोचना है कि इसमें किस तरीके से डेटा एंटर किया जाएगा, क्योंकि मेमोरी तो आपको मिल गई है और ये 1D अरे नहीं है, नहीं तो एक लूप लगा देते। तो यहां पर आप देखो दिख रहा है आपको, ये पहली सबस्क्रिप्ट रो सेकंड सबस्क्रिप्ट कॉलम के लिए चल रही है, राइट। तो हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिए r और c, r फॉर रो एंड c फॉर कॉलम, ठीक है। और यहां पर अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यूजर से 3x3 का मैट्रिक्स स्कैन करना है। तो हमने यहां पर सिंपल एक मैसेज दिया, एंटर एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, है ना, एंटर एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। ये हमने सिंपल सा एक मैसेज दिया कि आपको सबसे पहले मैट्रिक्स में एलिमेंट स्कैन करना है, राइट। अब इस मैट्रिक्स में एलिमेंट स्कैन करने के लिए हमने क्या किया, दो लूप लगाए, फॉर आर इक्वल्स टू 0, आर लेस देन 3, R++। अभी आप समझना, ये कांस्टेंट एलिमेंट है अभी, फॉर सी इक्वल्स टू 0, सी लेस देन 3, C++। ये आपने सेकंड लूप लगाया, ठीक। अब इस लूप में हम डेटा स्कैनिंग कैसे करेंगे, तो यहां पर हमने सिंपली लिख दिया सी इन ए ऑफ आर सी, आर सी मैंने लिए हैं रो और कॉलम के लिए, कि एक लूप हमारा रो का चलेगा, सेकंड लूप हमारा कॉलम का चलेगा, राइट। और ये लूप मैंने कंप्लीट कर दिया, और यहां पर आप ब्रैकेट लगा भी दोगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है।
अब जरा इसका एग्जीक्यूशन ध्यान से समझना कि कैसे एक 3x3 के मैट्रिक्स को हम यूजर से रीड कर रहे हैं। ओके, तो जब ये लूप चलेगा तो आप देखो फर्स्ट टाइम पे आर की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, आपका आर है 0, समझना यहां पे आर 0 है, 0 less than 3 ट्रू। इस 0 के लिए प्रोग्राम इनर लूप में आ गया। अब जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं होगा या आउटर में नहीं जाएगा। ओके, तो सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम पे सी की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0। तो आपका जो पहला एलिमेंट रीड होगा उसकी पोजीशन देखो आप क्या मिल रही है, A00। तो A00 में आपने सपोज फर्स्ट एलिमेंट दे दिया 13, फॉर एग्जाम्पल 13। फिर बताओ कौन बढ़ेगा, सोच के देखो आप, ये बढ़ाएगा सी को। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, अब 0 के लिए सी आपका 1 हो जाएगा। अब देखो ऑटोमेटिकली ये पोजीशन इस अरे से मिलती रहेंगी आपको। अगली बार जो एलिमेंट रीड होगा वो 01 पे होगा। तो 01 पे सपोज आपने एलिमेंट दे दिया 28, ये आपका नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, देन C++। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, ये हो गया 2। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो रीड होगा वो 02 पे होगा। तो 02 पे सपोज आपने एलिमेंट दे दिया 35। अब देखो आप, अब जब सी बढ़ेगा 3 तो इनर लूप कंप्लीट, क्योंकि 3 less than 3 फॉल्स। अब प्रोग्राम आउटर में जाके आर को बढ़ाएगा, सी दिस वन आर प्लस प्लस। तो आर कितना हुआ, 1। इस 1 के लिए सी फिर से कितना हो गया, 0, क्योंकि हर आउटर लूप के लिए इनर लूप फिर से शुरू से एग्जीक्यूशन करेगा। तो आर की वैल्यू 1 के लिए सी फिर से आपका 0 हो गया। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 10 पे। तो 10 पे आपका नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया, सपोज 10 पे आपका नेक्स्ट एलिमेंट आया एनीथिंग 45। फिर देखो आप 11, नेक्स्ट पोजीशन आएगी 11 पे आपका नेक्स्ट एलिमेंट आया सपोज 28, देन 12 नेक्स्ट एलिमेंट 12, तो 12 पे आपका नेक्स्ट एलिमेंट आया सपोज 30 ले लेता हूं मैं। ओके, फिर आर बढ़ेगा क्योंकि सी का इनर लूप कंप्लीट, अरे 3 पे इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आर की वैल्यू कितनी हुई अब, 2, 2 less than 3 ट्रू, सी वापिस से 0 हुआ। तो देखो नेक्स्ट पोजीशन, अरे सॉरी ये शायद हमने एक पोजीशन छोड़ दी है, 02, ये 10 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। मैंने आपको बोला ना कि अगर कहीं प्रोग्राम में कोई लिमिटेशन है तो वो हमें यही समझ में आ जाएगी। देखो ये 10, ये 20, ये 21, और एक पोजीशन और आएगी 22। ठीक है, और डिजाइनिंग में हमने एक छोड़ दिया था। तो अब देखो नेक्स्ट टाइम 20, तो 20 पे आपका नेक्स्ट एलिमेंट आया सपोज 15, देन 21 पे आपने एलिमेंट दे दिया सपोज 22, एंड देन 22 पे आपका एलिमेंट आ गया सपोज 45। अब इसके बाद इनर लूप कंप्लीट, क्योंकि सी की वैल्यू 3 हो गई, इनर लूप कंप्लीट। फिर आउटर में जाके इसने आर को भी 3 कर दिया, तो 3 less than 3 आपका आउटर लूप भी कंप्लीट हो गया। तो जब ये पूरा लूप चल गया तो क्या मिला आपको, एक 3x3 का मैट्रिक्स आपका मेमोरी में रीड होके मिल चुका है आपको। सो दिस इज हाउ टू रीड अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3। और अभी तो 3x3 का है, बाद में इसको चेंज भी करेंगे, नॉट टू वरी अबाउट दिस। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अभी कितने बाय कितने का है, 3x3 का। लेकिन ये मैट्रिक्स तो अभी आपका मेमोरी में रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट करके यूजर को दिखाना है। और आप डोंट वरी, आप मैंने आपको बार बार लगातार एक ही बात बोली है कि आप यहां पे लॉजिक पे फोकस करो। प्रोग्राम में आपको इसका अभी सिस्टम पे रन करके दिखाता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैट्रिक्स रीड हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। लेकिन लॉजिक जो बोर्ड पे समझ में आएंगे, जो लॉजिक कॉपी पे चलते हैं, वो सिस्टम पे नहीं समझ में आते हैं। सिस्टम पे आप केवल टाइप करोगे, लॉजिक डेवलपमेंट शुरुआत में तो आपको कॉपी पे ही सीखना पड़ेगा। एक बार उस लेवल तक आ जाओ कि फिर सामने देख के सिस्टम पे लॉजिक लिख सके, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पहले लॉजिक्स कॉपी पे चलाने पड़ेंगे। मैं हमेशा ये बोलता हूं, लॉजिक्स कॉपी पे सीखे जाते हैं, सिस्टम पे नहीं। सिस्टम पे लॉजिक सीखना है तो आपको थोड़ा सा एक लेवल अप आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो शुरुआत आपको किस तरीके से करनी है प्रोग्रामिंग की, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो ये मेरा मैट्रिक्स है, 3x3 का स्कैन हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस मैट्रिक्स को प्रिंट करना है। तो सिंपली प्रिंट करने के लिए हमने फिर से एक लूप लगाया, देखो फॉर आर इक्वल टू 0, ये प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है। मतलब आपको इसी फॉर के आगे अगला फॉर लूप लगाना है, ये वाला फॉर आर इक्वल टू 0 आर लेस देन 3 आर प्लस प्लस। ठीक है, फिर इसी में हमने सेकंड फॉर लूप फिर लगाया, फॉर सी इक्वल टू 0 सी लेस देन 3 सी प्लस प्लस। ठीक है, और यहां पर सिंपली हमने लिख दिया सी आउट ए ऑफ आर सी।
ठीक है, और थोड़ी सी स्पेस दे दी यहां पे, तो हमने लगा दिया स्लैश टी ताकि थोड़ी स्पेस आ जाए। ओके, और इस इनर लूप के बाद आउटर लूप में जाने के पहले हमने यहां लिख दिया स्लैश एन। स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन, क्योंकि हर नई रो हमें नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। तो अब इस एग्जीक्यूशन को देखो आप, R की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0, तो आपका पहला एलिमेंट प्रिंट होगा A ऑफ 0, 0। तो A ऑफ 0, 0 क्या है हमारा एलिमेंट, ये है, ठीक है, 13, 28, 35। इन तीनों को याद रखो, बार बार हम बैक नहीं करेंगे। 13, 28, 35 ये आपके एलिमेंट है 0, 0, 0, 1 और 0, 2 पे, राइट। फर्स्ट टाइम पे ये लूप चला तो आपका पहला एलिमेंट प्रिंट हुआ 13। सेकेंड टाइम पे फिर से R0, C1 हो गया, तो सेकेंड एलिमेंट प्रिंट होगा जो भी है सेम लाइन पे, सॉरी ये एलिमेंट प्रिंट होगा सेम लाइन पे, अरे आर जीरो है, सी आपका 1 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट सेम लाइन पे 7 की स्पेस के बाद स्लैश टी आपने दिया, ये प्रिंट होगा 28। फिर सी प्लस प्लस, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया आपका 2। तो देखिए अब 2 सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट कौन है, 35। तो नेक्स्ट एलिमेंट आपका यहां पे प्रिंट हो जाएगा 35। इसके बाद जब सी प्लस प्लस होगा 3, तो इनर लूप कंप्लीट, स्लैश एन नेक्स्ट लाइन, प्रोग्राम आउटर लूप में गया और आउटर लूप में जाके इसने R को कर दिया 1, C फिर से हो गया 0। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट आपका प्रिंट होगा वो होगा 10। तो 10 पे देखें कौन सा एलिमेंट है हमारा, 10 पे है आपका 45, 28, 30। याद रखेंगे इसको हम, 45 लिख लेते हैं इधर, 45, 28, 30 ये हमारे एलिमेंट है। तो आप देखो R की वैल्यू 1, C की वैल्यू 0, तो नेक्स्ट लाइन पे पहला एलिमेंट 45। फिर जब C आपका 1 होगा तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा 28। फिर आपका सॉरी ओके ठीक है जो भी एलिमेंट है 30। इसके बाद ठीक है आप एलिमेंट देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R 2, C फिर से 0, तो अब देखिए 20, 21, 22 ये एलिमेंट प्रिंट होंगे आपके, 15, 22, 45। तो ये एलिमेंट आपको यहां पे मिल जाएंगे 15, 22, 45 जो भी एलिमेंट है। तो ये प्रोग्राम जब पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, ये दोनों लूप जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद यदि आप देखोगे तो यू विल गेट दिस मैट्रिक्स ऑफ 3x3। तो ये प्रोग्राम से हमने केवल अभी ये समझा है कि एक 3x3 के मैट्रिक्स को, या कभी भी C++ में आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड कोडिंग करना है तो 3x3, 4x4, 5x5 जितने का भी मैट्रिक्स आपको चाहिए उसको कैसे स्कैन करेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे। और यदि आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड कोड लिखना है तो हमने क्या देखा कि मैट्रिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां डेटा रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर होता है, और रो और कॉलम के फॉर्मेट में अगर आपको मेमोरी एलोकेट करना है तो यहां पर हम यूज करते हैं 2-dimensional अरे का, क्योंकि 2D अरे जब आप डिक्लेयर करते हैं तो ये आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में मेमोरी एलोकेट करके देता है। तो किसी भी मैट्रिक्स के प्रोग्राम के लिए सबसे पहली स्टेप यह है कि आपको एक मैट्रिक्स मेमोरी में रखना पड़ेगा स्कैन करके, उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग शुरू होगी। जैसे बच्चे, मैं सिंपल बोलता हूं, चलो 2 नंबर को ऐड करो, तो आप पहले क्या करोगे, 2 नंबर मेमोरी में स्कैन करके रख लोगे, रीड करके रख लोगे, उसके बाद लॉजिक लगाओगे ना कि उनको ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। मैंने बोला एंटर अ नंबर, तो आपने एक नंबर मेमोरी में रख लिया। अब मैंने बोला ओके फाइंड आउट इट्स फैक्टोरियल, चेक वेदर इट इज प्राइम और नॉट, तो आपने पहली स्टेप में डेटा रीड किया। वैसे ही मैट्रिक्स के लिए पहली स्टेप में हमने यह समझा है कि कैसे हम एक मैट्रिक्स को स्कैन करेंगे, रीड करेंगे इस लूप के थ्रू, और कैसे उस मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे इस लूप के थ्रू। लेकिन अब यहां पर आप एक चीज देखो, ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है जिससे हमने मैट्रिक्स को स्कैन या प्रिंट करना सीखा है, लेकिन आप इसमें एक लिमिटेशन देखो। यदि मैं इस प्रोग्राम को पहली बार रन करता हूं तो ये आपसे कितने बाय कितने का मैट्रिक्स स्कैन करवाएगा, 3x3 का। मतलब एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप तो प्रोग्रामर हो, आप तो कोडिंग में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यूजर को जो आउटपुट फाइल मिलेगी वो तो exe फाइल होगी ना। याद है हमने पढ़ा था C++ में 3 फाइल बनती है, सोर्स कोड, सेकंड इज मशीन कोड, थर्ड वन इज आउटपुट फाइल, जो कि exe फाइल होती है। और यदि आपने ये सॉफ्टवेयर की exe फाइल यूजर को दी तो मेरे जैसा यूजर तो खुश नहीं होगा। मतलब मैं अगर यूजर हूं तो मैं आपका ये सॉफ्टवेयर लाइक ही नहीं करूंगा, क्यों सर इतनी मेहनत से बनाया, क्यों नहीं लाइक करोगे आप। अरे बेटे, आपका ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का एलिमेंट स्कैन कर रहा है, 3x3। पहली बार में भी 3x3, पांचवी बार में भी 3x3, तो ये तो फिक्स है ना। जबकि यूजर यहां चाहता है कि मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है ये भी वो डिसाइड करे, कि मैट्रिक्स 3x3 का होना चाहिए, 4x4 का होना चाहिए, 7x6 का होना चाहिए, वो भी यूजर की चॉइस, आपकी और मेरी चॉइस थोड़ी ना होगी। और अब अगर आप यूजर हो तो आप तो कोडिंग में चेंज कर लोगे, लेकिन यूजर कैसे करेगा, राइट।
तो यहां पर हम क्या चाहते हैं कि एक मैट्रिक्स यूजर से हम रीड करें, लेकिन m by n का मैट्रिक्स। m by n का मैट्रिक्स का मतलब है कितने बाय कितने का मैट्रिक्स लेना है वो भी यूजर डिसाइड करेगा। तो आप देखो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर इसी प्रोग्राम को मैं m by n के मैट्रिक्स के लिए कन्वर्ट करता हूं तो मुझे सबसे पहली स्टेप में एक फिक्स्ड अरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। याद करो, मैंने आपको अरे का मेमोरी एलोकेशन समझाया था कि अरे हमेशा कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है, ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है और इसीलिए ये साइज में फिक्स्ड होते हैं। अरे के जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे शुरुआत में तो हमने ये बात की थी। तो जैसे 1D अरे में भी हमने कई बार ऐसा किया था कि एक मैक्सिमम साइज का अरे डिक्लेयर कर लिया था और फिर उसमें एन एलिमेंट स्कैन किए थे। याद करो, सर्चिंग के प्रोग्राम, सॉर्टिंग के प्रोग्राम, जहां पर हमने 100 या 500 साइज का अरे डिक्लेयर कर लिया था और फिर उसमें 10-20 एलिमेंट एंटर किए थे और यह भी पढ़ा था कि ड्रॉबैक भी है। तो वही ड्रॉबैक आपको 2D अरे में भी फेस मिलेगा कि यदि आप चाहते हैं कि यूजर से आपको m by n का मैट्रिक्स लेना है तो आपको पहले एक मैक्सिमम साइज का मैट्रिक्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अगर एक 3x3 का मैट्रिक्स 9 एलिमेंट स्कैन करता है तो अगर मैं 50x50 का एक मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दूं कि अरे की साइज होगी 50x50, तो ये 50x50 का जो मैट्रिक्स होगा ये कितने एलिमेंट रीड करेगा? इमेजिन करो आप, ये 50x50 का मैट्रिक्स जो है ये 2500, मतलब टोटल मिला के 2500, 2500 एलिमेंट का ये मैट्रिक्स है। लेकिन आपको इतने एलिमेंट नहीं लेना है, आपको क्या करना है, m और n में लिमिट लेना है। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, एलिमेंट लेने के पहले आपको कुछ लाइन अपने प्रोग्राम में ऐड करनी है, एंटर वैल्यू, m मतलब रो, n मतलब कॉलम। तो आपने मैसेज दे दिया एंटर वैल्यू ऑफ रो एंड कॉलम, एंटर वैल्यू ऑफ रो एंड कॉलम, कि आपका मैट्रिक्स कितने बाय कितने का होगा ये आप यूजर से रीड करवा लो, किसमें, m में और n में, दैट्स इट। तो अब आप देखो, पिछले प्रोग्राम में अगर ये कोड में इसके ऊपर लिख दूं, है ना, मतलब यहां पे ये वाला जो कोड है, अगर ये कोड में यहां लिख दूं इस जगह, ठीक है, इसको मैं स्टार बना देता हूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, अभी सिस्टम पे तो सारी चीजें देख ही लेंगे हम, डोंट वरी। अगर ये वाला कोड मैंने यहां लिख दिया ऊपर, तो क्या होगा, ऊपर मतलब डिक्लेरेशन के बाद, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो है वो एलिमेंट लेने के पहले आपसे m by n की वैल्यू मांगेगा। और अब आपको चेंज क्या करना है, ये आउटर लूप में 3 की जगह m लिख दो, यहां पे n लिख दो, सेम नेक्स्ट लाइन पे, मतलब इसके आगे का जो प्रोग्राम है जहां प्रिंट किया था, यहां पर आप m लिख दो, यहां पर आप n लिख दो। तो आप सोचो, अगर आप m और n को यूजर से स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद आप m by n का मैट्रिक्स रीड करेंगे और अगर m by n का मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे तो अब यूजर सेटिस्फाइड है। नो डाउट इसमें m और n को चेक भी लगा लेंगे हम कि अगर 50 से ज्यादा दे दिए तो क्या होगा, क्योंकि हमने अभी जो m और n लिए हैं वो 50x50 के लिए हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, वो हम कर लेंगे, ओके। लेकिन अब अगर आपने एक मैट्रिक्स को फिक्स करने की बजाय m by n का डिक्लेयर कर दिया तो इसका एडवांटेज ये है कि अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो यूजर से सबसे पहले रो और कॉलम की वैल्यू मांगी जाएगी। देखिए, अब आपका प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले बोलेगा एंटर वैल्यू ऑफ रो एंड कॉलम। तो मान लो मैंने m की वैल्यू दे दी 5, n दे दिया 3, तो मेरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो 5x3 का बनेगा, विच कंटेन 5 रो एंड 3 कॉलम। अगर मैं सेकंड टाइम पे चाहता हूं कि यही मैट्रिक्स मुझे 7x6 का चाहिए, 7x7 का चाहिए, तो ये 7x7 का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो नाउ दिस इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कि ये जो प्रोग्राम है अब ये डायनेमिक है, अब ये स्टैटिक वैल्यू पे काम नहीं कर रहा है, फिक्स नहीं है। हाँ, बट लिमिटेशन अभी भी है कि आप 50x50 से ज्यादा नहीं दे पाओगे, क्योंकि हमने अरे साइज 50x50 लिए। पर अगर आपको लगता है कि आपको अरे मैट्रिक्स 2500 एलिमेंट से भी ज्यादा चाहिए, तो चॉइस आपकी, आप इसको 100x100 कर दो, कोई परेशानी नहीं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया है। स्टेप 1 पे जो हमने आज बात की है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हमने बात क्या की है, हमने बात की है 2-dimensional अरे क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बोला कि 2-dimensional अरे मतलब द अरे वो स्टोर द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, और ये रो और कॉलम में जब वैल्यू स्टोर करना होती है तो वो होता है मैट्रिक्स, कि जब हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कोड लिखते हैं सो दैट वी रिक्वायर्ड अ मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो ये भी हमने डिस्कस किया और फिर ये देखा कि जब एक 2D अरे आप डिक्लेयर करते हैं तो उसमें 2 सबस्क्रिप्ट होती हैं। पहली सबस्क्रिप्ट रो को इंडिकेट करती है, सेकंड सबस्क्रिप्ट कॉलम को इंडिकेट करती है। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ
कि हाउ टू रीड द मैट्रिक्स, कि आप ये देखिए, आप ये मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स कैसा होता है अगर आप उसको जीरो से स्टार्ट करें। जनरली हम मैथ्स में मैट्रिक्स में रो और कॉलम को वन से शुरू करते हैं, पर हमारा अरे सी प्लस प्लस में जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये रो है, दिस इज रो एंड दिस वन इज कॉलम, ये कॉलम है। तो हमारी पोजीशन क्या रही है, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2। अब मुझे अगर ये मैट्रिक्स रीड करना है तो फिर हमने देखा कि 3 बाय 3 का मैट्रिक्स कैसे स्कैन करेंगे, इसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, फिर उसको m बाय n में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए, इसको 3 बाय 3 का लेने की बजाय इस जगह पे आप वो वाला कोड लिख दे जो मैंने भी आपको बताया है ना, इसको स्टार लगा देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। डोंट वरी, मैं अभी सिस्टम पे सारी चीजें क्लियर कर ही दूंगा आपको ये, और इसमें आप बाकी के वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, आर सी और जो आपको चाहिए। तो ये कोड अगर आप यहां लिख देंगे इस जगह पे, तो सेम प्रोग्राम आपका m बाय n के लिए चल जाएगा। तो इसका मतलब है अब आपका जो मैट्रिक्स है वो फिक्स साइज का नहीं होगा। तो ये था स्टेप वन पे कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स की, हाउ टू यूज अ मैट्रिक्स इन सी प्लस प्लस। लेकिन ये प्रोग्रामिंग नहीं है बेटा, अभी ये तो मैंने सिंपल बताया क्या किया है। अगर मैं आपसे बोलता राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट द नंबर, तो ये प्रोग्राम है कि आपने यूजर से एक नंबर एंटर किया और उसको प्रिंट कर दिया। प्रोग्रामिंग तो तब होगी जब आपके पास डेटा आएगा। तो अभी मैट्रिक्स आ गया, अब जब मैट्रिक्स मिल गया है तो अब इस मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम कैसे लिखना है, लाइक लोअर ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, कॉर्नर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहली स्टेप में आज आप केवल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझो, इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी हम देखते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स की बात करेंगे, अलग अलग प्रोग्राम्स की और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की, जहां पर हम मैट्रिक्स एडिशन की भी बात करेंगे, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की भी बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल प्रोग्राम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की भी बात करेंगे। लेकिन सारे प्रोग्राम में कॉमन ये है कि वो मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग होगी। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे दोस्तों तक भी शेयर करिए और हर उस व्यक्ति तक इसको पहुंचाइए जिसको इसकी नीड है। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग के साथ। लेकिन यदि कहीं भी कोई डाउट है तो आप इस लेक्चर को एक बार फिर से सुन लीजिए, देख लीजिए, और फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि कहां प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात, टिल देन टेक केयर, बाय।